अचीव होता है, मतलब 1820 से लेके 1835 का जो लेवल है वो यदि निकल जो है वो अच्छी तरीके से बढ़िया बुलिश कैंडल के साथ, ऐसी कोई कैंडल के साथ अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है दोस्तों, तो वहां से संभावना हो जाएगी कि ये जो है वो 1880, 1925, 2000 और 2150 तक के जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हुई थी हमारी लास्ट वीक के वीडियो के अंदर, जो निकल का वीडियो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर, कि 1835 के ऊपर जो है वो ब्रेकआउट दे सकता है, और आज इंट्राडे के अंदर जो है वो 1864 का जो है वो लेवल हमें देखने को मिला, लगभग 29 पॉइंट का जो उछाल है वो हमें यहाँ पर जो है वो सीधा देखने को मिला है। अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 1878 दोस्तों लेवल नोट डाउन कर लेना, 1878 का जो लेवल है वो अब उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहेगा। अगर ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो क्लोजिंग वेजेस के ऊपर अगर ये काटता है दोस्तों, तो यहाँ से जो है वो काफ़ी बड़ी चाल हो सकती है, और 1890, 1925, 2000 जो आगे वाले हमने लेवल डिस्कस किए थे वो भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वाला लेवल ऐसा है कि यहाँ से अगर थोड़ा मोटा करेक्शन करना चाहे छोटा मोटा तो कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर ये लेवल के ऊपर जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर काट देता है तो संभावना बहुत ही ज्यादा हो जाएगी कि हम जो है वो एक और बार बड़ी तेजी जो है वो देख सकते हैं। दोस्तों लाइव मार्केट से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही सपोर्ट टारगेट दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा हमारे ऑनलाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स का, वो लिंक ओपन करके आप जो है वो ऐसे ही सपोर्ट और टारगेट कैसे फाइंड करें वो भी सीख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।